हेलो फ्रेंड्स सो क्लास टेंथ आज हम लोग अमांडा पोयम पढ़ेंगे विच इज कम्पोज बाय रॉबिन क्लेन ठीक है सो so अमांडा एक छोटी सी बच्ची की कहानी है एक टीन एजर गर्ल की जिसको उसकी माँ उसके पेरेंट्स बार बार हर काम के लिए टोकते रहते हैं तो वो किस तरह से इमेजिनेशन में अपने आप को किन अलग अलग रूप में इमेजिन कर रही है ये पोईम इसी के बारे में ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द पोयम डोंट बाइट योर that अमांडा डोंट sit योर straight, अमांडा स्टॉप डेट स्लॉचिंग एंड सेटअप स्ट्रेट अमांडा the वेयर inhabitant इनहेबिटेंट इज मी एमेंट ड्रिफ्टिंग blissfully. ठीक है तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं अमांडा एक छोटी बच्ची है जो कि हमेशा उसकी माँ उसको गलतियों के लिए उसको टोकती रहती है और वो अपनी इमे... इमेजिनेशन में अपनी पसंद की लाइफ को जीने का वो क्या कर रही है इंजॉय कर रही है कौन अमांडा ठीक है तो पोइट कहते हैं जो उनकी मदर है वो अमांडा को टोक रही है, कि अपने नेल्स मत काट तो। ऐसे होता है ना बच्चों की आदत होती तो को से से है नाखून दांत से कुतरते रहते हैं ना तो इसके लिए उनके पेरेंट्स से उनको डांट पड़ती रहती है तो इस तरह से दांतों से नाखून को कुतरना क्या होता है एक बहुत बैड हैबिट है तो इसके लिए उसकी माँ उसको डांट रही है फिर वो उसे कह रही है कि एकदम स्ट्रेट हो कैसे बैठो क्योंकि ऐसे शोल्डर को ऐसे झुकाने से क्या होगा कि आपके बॉडी का शेप खराब हो जाएगा तो उसको ऐसे कहा जा रहा है कि एकदम स्ट्रेट होकर बैठो और अमांडा की हैबिट है कि वो अपने शोल्डर्स को ऐसे थोड़ा सा झुका के बैठती है और होता है ना कि बच्चे बहुत से बच्चे बहुत लेजी होते हैं तो वो भी थोड़ा सा लेजी टाइप की है और इसी की वजह से उसकी माउस उसको डांट रही है कि तुम राइट पोस्चर में बैठो और वो क्या कर रही है इमेजिनेशन कर रही है ठीक है वो इमेजिन कर रही है कि काश वो ब्यूटीफुल ग्रीन सी एम्ब्रॉर्ड सी कि ग्रीन सी में वो अकेली इनहेबिटेंट होती मतलब वहाँ पे वो रहने वाली सिर्फ एक अकेली होती और वो अपने आप को एक मरमेड की तरह इमेजिन कर रही है ना आप सब जानते हैं ना मरमेड्स मरमेड्स वो होती हैं जिनके आधा जिनकी आधी बॉडी होगी वो इंसानों की तरह होती हमारी तरह ह्यूमन्स की तरह और जो फिर ये यहाँ से हिप से लेके नीचे तक का पूरा पोर्शन पैर तक का बिल्कुल टेल की तरह होता है ना फिश की टेल जैसी होती है उनके पैर नहीं होते हैं लेग्स नहीं होते हैं ठीक है तो वो कह रही है कि मैं मरमेड होती और मैं वहाँ पर अपनी लाइफ बहुत ही आराम से इंजॉय करते हुए बिताती रिलैक्स करते हुए और वो जानती चाहती है कि वो उसी वाटर में रहे और आसपास का जो रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है उसको फील करे कहने का मतलब ये है कि वो लगातार डांट खाते खाते बिल्कुल परेशान हो चुकी है वो फ्रीडम चाहती है है ना वो फ्रीडम चाहती है उसको बार बार टोके जाना बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए वो इमेजिन कर रही है कि मैं सी में अकेली इनहेबिटेंट होती और मैं वहां पर एक मरमेड की लाइफ को इंजॉय कर रही होती ठीक है डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा डिड यू टाइडिंग योर रूम एमेंडा आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमेंडा

फिर उसको याद दिलाती है कि तुम्हें अपने शूज को भी साफ करना था तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनकी माँ है वो बार बार उससे क्वेश्चन पूछ रही है। उसके होमवर्क के बारे में उसने अपने रूम साफ को किया या नहीं अपने शूज़ को साफ किया या नहीं बार बार उसके सामने इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है और वो दूसरी तरफ क्या इमेजिन कर रही है अपनी माँ के इंस्ट्रक्शंस को सुनने की बजाय वो सोच वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वो एक अनाथ होती ऑर्फेन होती और ऐसे ही वो

वो अपनी माँ से जस्ट अपोजिट सोच रही उसकी माँ उसको सब कुछ साफ सुथरा रखने के लिए कह रही है और वो क्या करना चाह रही है वो डस्ट में खेलना चाह रही है बच्चों की आदत होती है ना मिट्टी में खेलने की या जिस काम से उनको रोका जाए उसके जस्ट अपोजिट ही वो करेंगे है ना तो अमांडा भी क्योंकि एक छोटी बच्ची है टीनेजर है तो वो चाह रही है कि मैं एकदम आजाद होकर खेलूं लेकिन माँ उसको जस्ट अपोजिट करने को कह रही है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वो इन लगातार इंस्ट्रक्शन से बिल्कुल तंग आ चुकी है और उसको क्या लगता है कि अगर वो एक अनाथ होती तो उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता वो बिल्कुल एक आजाद बर्ड की तरह होती है ना इसका कहने का मतलब ये है कि जो फ्रीडम है वो बहुत ही स्वीट है फ्रीडम स्वीट क्यों है क्योंकि तब उसकी माँ वहां पर उसको रोकने टोकने के लिए नहीं होती वो आजादी को पूरी तरह से इंजॉय कर पाती डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा रिमेंबर योर एक्ने अमांडा

वो क्या इमेजिन कर रही है कि मैं एक रिपुंजल होती आप सभी को रेपुंजल की स्टोरी शायद पता हो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दू रिपुंजल एक प्रिंसेस होती है जिसको कि कुछ मेजिशियंस ने एक बहुत ही ऊंचे टावर पे कैद कर दिया होता है और वहा जाने का कोई रास्ता नहीं होता है ना उसके बाल बहुत लंबे होते हैं इतने लंबे कि वो उस टावर से अपने बाल लटकाती है तो प्रिंस उसके बाल के सहारे चढ़कर ऊपर जाता है और फिर उसको वहां से फ्री करवाता है है ना तो ये इमेजिन कर रही है कि काश मैं रपुंजल होती मैं रपुंजल हूँ होती नहीं मैं रपुंजल हूँ और यहाँ पे मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है मैं इस टावर में उसमें उस मैं बिल्कुल शांति से बिल्कुल अकेले रहूंगी और मैं अपने लंबे बालों को कभी भी नीचे नहीं लटकाऊंगी यानी कि मैं किसी को भी इस टावर में अंदर नहीं आने दूंगी क्योंकि उसको अकेले रहना शांति से रहना ज्यादा पसंद है है ना ठीक है स्टॉप दैट सर्किंग एटेंडाज सोनी वो हमेशा ही एक बैड मूड में होती है ना? बच्चे होते हैं ना थोड़ा सा मोटी होते हैं कब चिड़ जाएंगे कब खुश हो जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता तो यही शिकायत अमांडा की माँ को अमांडा से है फिर वो उसको ब्लेम कर रही है की तुम्हारा मूड जो है वो बहुत ही अनस्टर्बल है यानी कि तुम्हारा मूड कब चेंज हो जाएगा कोई नहीं जानता और वो उसको ये भी स्कॉल्ड कर रही है ये भी डांट रही है कि उसका इस तरह का अगर बिहेवियर रहेगा तो लोग एक दिन सोचेंगे कि उसकी माँ अमेंडा की माँ उसको बहुत हैरेस्ट करती है यानी कि बहुत ज्यादा उसको तंग करती है तो लोग ऐसा सोचने लगेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अमेंडा की जो माँ है वो हमेशा उसकी हर छोटी सी छोटी बातों पे उसको डांटती है लेकिन वो उन छोटी बातों को उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाती है अमांडा जो है वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाती है और यहाँ तक कि वो इतनी ज्यादा इन सारी चीजों से तंग आ चुकी है कि अब उसने खुद को किसी भी रूप में इमेजिन इमेजिन करना ही बंद कर दिया है ना आप लोग देखिए इसमें उसने खुद को किसी भी रूप में इमेजिन नहीं किया है पहला तो उसने अपने आप को एक मोर्मेट के रूप में इमेजिन किया फिर उसने अपने आप को एक ऑर्फेन के रूप में और फिर रेपुंजल के रूप में लेकिन यहाँ लास्ट में देखिए वो एकदम निराश हो चुकी है और वो खुद को कुछ इमेजिन भी नहीं कर रही है है ना और यहाँ हमको ये समझ में आता है कि जो उसकी माँ है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है क्यों क्योंकि एक छोटा बच्चा अगर उसको हर वक्त रोका टोका जाए ना तो वो सुधरने की जगह और बिगड़ता है उसको बहुत ही प्यार से संभालने की जरूरत होती है, है ना कुछ पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ पाते हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ा होगा उसको पता है कि बच्चों की जो डेवलपमेंट के फेजेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो इसलिए उनके में मूड स्विंग्स होते हैं बच्चे कभी कभी बहुत आसानी से बात मान जाते हैं कभी कभी बिल्कुल बात नहीं मानते हैं तो हमें उनको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही डील करना पड़ता है है ना तो इससे इस, इस पोएम से हमें बेसिकली ये पता चल रहा है कि ये पोएम ऐसे पेरेंट्स के बारे में है जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा सप्रेस्ड करते हैं हर छोटी से छोटी बात के लिए टोकते रहते हैं और अगर एक बच्चा आपके जैसा बिहेव करने लगेगा एक अडल्ट की तरह तो फिर उसे बच्चा कौन कहेगा फिर तो वो टीनेजर नहीं ना रह जाएगा भाई एक बच्चा है वो तो बहुत सारी मिस्टेक्स करेगा वो मूडी भी होगा उसकी बिहेवियर हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल पॉलिस्ड हो है ना तो वहां पे हमें बच्चों को समझने की जरूरत होती है तो पोएम यहीं पे खत्म होती है अब बात करते हैं हम लोग इसकी पोइटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस की ठीक है देखिए फर्स्ट, फर्स्ट इसमें एनाफोरा का यूज हुआ है क्योंकि इसमें डोंट बाइट डोंट हंच इस तरह से किसी एक वर्ड का यानी डोंट का रिपीटेशन हुआ है ना अब इसकी राइमिंग राइमिंग स्कीम देखिए ए ए बी ए है फिर सी 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 है ठीक है इसको मैच कर लीजिएगा देखिए अमांडा अमांडा ए ए स्ट्रेट बी फिर अमांडा इस क्या हो जाएगा ए फिर सी मी ब्लिसफुली अब ये देखिए सी मी ब्लिसफुली ये आपस में ही राइम कर रहे हैं तो ये सी 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 हो जाएगा ठीक है वर्ड्स को मत देखिएगा अल्फाबेट्स को मत देखिएगा जो वॉइस निकल रही है उसको देखिएगा तो वॉइस राइमिंग कर रही है, है ना फिर इसमें देखिए मेटाफर का यूज, का यूज हुआ है यहां पर इम, सी जो है ये ग्रीन कलर से उसको कंपैरिजन किया गया है ना एम्ब्रॉल्ड जो होता है ना वो एक स्टोन एक डायमंड टाइप का होता है है ना हरा हरा पत्थर जिसको हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे उसका कंपैरिजन किया गया है सी को एम्ब्रॉल्ड कहा गया है और अमांडा श, वर्ड का रिपीटेशन भी है इसमें है ना इमेजरी क्या यूज हुई है इसमें इमेजरी जैसे कि आप जो उसने मरमेड का अपने आप को वो एज ए इमेजिन कर रही है तो वहाँ पे आपको भी माइंड में मॉर्मेट और वो जो ब्लिसफुल एनवायरनमेंट वो एंजॉय करना चाहती है उसकी एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो जाती है ठीक है अब देखिए इसमें इलेट्रेशन का भी यूज हुआ है स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सेटअप स्ट्रेट एस साउंड को यहाँ पर रिपीटेड हुआ है ना देखिए एस 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 ठीक है एल्यूजन का भी हुआ है कि मॉरमेड जो है वो एक इमेजनिंग क्रिएचर होता है ना वो रियल में तो हम लोगों ने देखी नहीं है मॉर्मेट तो यहाँ पर एल्यूजन का भी हुआ है। फिर नेक्स्ट नेक्स्टा में देखिए इसमें भी एनाफोरा का यूज हुआ है क्योंकि डिड अमांडा अमांडा फिर वो ए से हो जाएगा फिर देखिए यहाँ पे जो शूज है ये किसी से पीछे जो बी वाला था उससे राइम नहीं कर रहा तो इसलिए हमने इसको डी कहा और फिर सी 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 है ना फिर इसके बाद देखिए वॉवल साउंड ओ है इसका भी यूज हुआ है बार बार एसोनेंस इसको कहते हैं ना यूज ऑफ वॉवल साउंडोल यू योर शूज ठीक है ओ का हुआ। फिर एमेंडा वर्ड की फिर से रिपीटेशन है पूरी पोयम में ही रिपीटेशन है ठीक है फिर मेटाफर का यूज हुआ है कि साइलेंस इज गोल्डन अब बताओ जो साइलेंस है क्या वो गोल्डन होती है लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि गोल्डन से क्यों कंपेयर किया गया है गोल्ड क्या है बहुत ही बहुत ही महंगी कीमती धातु होती है मेटल होती है है ना प्रीशियस जिसको हम कहते हैं तो अमांडा के लिए जो साइलेंस है वो बहुत प्रीशियस बहुत कीमती है एज मच प्रीशियस एज गोल्ड ठीक है इसलिए यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है फिर फ्रीडम इज स्वीट अब फ्रीडम को भी यहाँ पे भी देखिए मेटाफर का ही यूज हुआ है फ्रीडम को एक है कि वो स्वीट है जबकि स्वीट क्या होती है मिठाइया होती है ना स्वीट यह मीठा टेस्ट होता है फ्रीडम को हम टेस्ट थोड़ी कर सकते हैं फ्रीडम को तो हम इंजॉय कर सकते हैं फील कर सकते हैं ना लेकिन यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है ठीक है फिर नेक्स्ट स्टैंड दैट चॉकलेट टमाडा ये वाला देखिए इसमें एल्यूजन का फिर से यूज हुआ है क्योंकि इसमें रेपुंजल जो एक फेरी कैरेक्टर है उसका यूज किया गया है, है ना रेमिक स्कीम देखिए इसकी ए ए एफ ए है फिर जी 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 है इसमें देखिए हर स्टेजर में राइमिंग स्कीम अलग अलग होती जाएगी सिर्फ एमांडा जहां जहां पे आएगा वहां पे राइमिंग स्कीम ए ए हो जाएगी है फिर फिर यूज हुआ है, और यूज हुआ है। और एमांडा वर्ड का रिपीटेशन जैसा कि मैंने कहा पूरी पोयम में ही हुआ है फिर लास्ट में आ जाइए स्टॉप डेट सर्कलिंग एट वा इसमें देखिए लिटरेरी डिवाइसेस एल्ट्रेशन का यूज हुआ है यहाँ पे स्टॉप और सकलिंग इसमें देखिए एस साउंड का रिपीटेशन हुआ है ना फिर वर्ड का रिपीटेशन हुआ है और राइम स्कीम क्या है है इसकी ए ए ए एच ना अब आप लोग कहोगे कि मैम पहले जी आया फिर एच आया तो ऐसा क्यों क्योंकि जो लाइन इस पोएम की जो स्टैंडर्ड फर्ट एक हर स्टैंजा में देखिए जो थर्ड लाइन है वो कहीं पे भी रा, राइमिंग नहीं कर रही है इसलिए हम उसको बी सी डी ई एफ ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ते चले गए है ना और जो तीसरी लाइन थी वो वो तीन लाइन आपस में राइमिंग कर रही थे तो सी का नाम दिया अब जब हम एक लाइन को कोई एक अल्फाबेट दे चुके हैं तो फिर हमें नेक्स्ट में डी डीई एस आगे बढ़ते चले जाना था है ना तो आई होप कि आप लोगों को पोएम समझ में आ गई होगी अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि क्या आप अमेंड्रा को समझ सके क्या आप उसके साथ हो या उसके अपोजिशन में हो तो आप लोग इसका आंसर बहुत ईजिली दे लोगे कोई भी एक छोटा बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो बड़ों के जैसा बिहेव करे तो ये हम बड़ों की बेवकूफ़ी होती है कि हम उनसे ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे जैसे मैच्योरी मैच्योर वे में बिहेव करें है ना जो बच्चे होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं उनको काफी टाइम लगता है हमारे लेवल तक आने में तो हमें उनके लेवल पे जाकर उनको डील करना पड़ता है तो आप लोगों से जब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि अमांडा अपने आप को किस तरह से इमेजिन कर रही थी और आप अगर अमांडा की जगह होते तो आप क्या करते तो जाहिर सी बात है कि आप भी अमांडा की तरह ही थोड़े से मूडी होते और चीज़ों को थोड़ा हट के सोचते हैं ना बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन भी नहीं होते हैं फिर बच्चे वो नेचुरल नहीं रह जाएंगे ना वो तो रोबोट बन जाएंगे हमें अपने बच्चों को रोबोट नहीं बनाना है और अगर मेरी ये वीडियो मेरे आपके में से किसी के भी पेरेंट्स देखते हैं तो मैं उनसे यही कहूंगी कि बच्चों को इतना ज़्यादा भी हर चीज़ के लिए टोकना नहीं चाहिए है ना छोटी छोटी बातों को टोकने से बच्चे क्या होते हैं और ज्यादा बिगड़ जाते हैं और ज़िद्दी होते जाते हैं और फिर उनको सुधारना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना चाहिए ये याद करना चाहिए कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम किस तरह से बिहेव करते थे और हमारे पेरेंट्स हमारे साथ क्या करते थे ठीक है ओके अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक बाय बाय